मसीह में जितने लोग आते हैं वो तब तक परेशान है जब तक इस सत्य को अच्छे से नहीं समझते। जो समझ आते हैं वो बहुत जल्दी क्या करते हैं। इसलिए कुछ लोगों की टेस्टामनी, कुछ लोगों की गवाही जल्दी बनती है और कुछ लोगों की नहीं बनती। कुछ लोग बड़े दिल से मन से उस वचन को सुनते हैं और धन्यवाद करते हैं और मांगते हैं, पूरा करते हैं। कुछ लोग नहीं करते। और जब किसी को समझ आती है उसके जीवन में सब अपने आप, चाहे वो जमांतरु लंगड़ा क्यों नहीं, जमांतरु अंधा क्यों नहीं, डॉक्टर ने उसे जवाब क्यों नहीं दिया, वो भी फिर जब समझ आती है तो वो भी अपने पैरों पर खड़ा होता है और अंधा भी देखता है। जैसे बाइबल में लिखा, विश्वास किससे आता है? सुनने से। जब तक हम सुनते नहीं है, हाँ, जैसे खोजा जो जशाया भविष्यता के द्वारा सालों पहले भविष्यवाणी हुई थी, पढ़ना इसे नोट करना, जशाया 53:53 नोट करो। तो एक से लेकर 53 की एक से लेकर 6 तक नोट कर लो, जहां पे जशाया ने भविष्यवाणी की थी यीशु मसीह के बारे में। बोले क्या की थी? भविष्यवाणी की थी। अगर आप प्रेरितों की पुस्तक 8 में पढ़ो तो वहां पे खोजा नाम का एक व्यक्ति था। तो मैं इस वचन को अभी आपको हम देखते हैं, साथ में नोट कर लेना। हाँ, तो 8:26 से लेकर ये नोट करो, 8 की प्रेरितों मतलब रसूला दे करता 8:26 से लेकर 39 तक पढ़ो, 39 तक नोट करो। तो यहां पे एक खोजा नाम क्या व्यक्ति था जो जशाया भविष्यता के द्वारा यीशु मसीह की भविष्यवाणी हुई थी, बोलो क्या था? वो रथ पर बैठा हुआ उस पुस्तक को पढ़ रहा था और उस बात को सीखने के लिए लिखा वो बड़ी दूर यरूशलम गया। बोलो क्या गया? यरूशलम में गया। अगर हम 32 से पढ़ें, बोलो क्या है? अगर हम थोड़ा सा ऊपर पढ़ें 30 की, तो फिलिप्पुस 28 से पढ़ते हैं। वह अपने रथ पर बैठा हुआ जशाया भविष्यता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उनकी ओर दौड़ा और उसे जशाया भविष्यता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? ये यही बात है जो इब्रानियों में अभी हमने पढ़ी कि जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। अब सुनो, ध्यान से सुनो। अब खोजा उस पुस्तक को जो यीशु मसीह के बारे लिखा था वो पढ़ तो रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रही थी। बोलो क्या थी? उसे समझ नहीं आ रही थी ये क्या लिखा है। जब फिलिप्पुस ने पूछा उस खोजा से कि जो तू पढ़ रहा है तुझे समझ आ रही है, तो उसने आगे से कहा, 31 में लिखा, उसने जब तक मुझे कोई ना समझाए मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की और चढ़कर उसके साथ बैठ पवित्र शास्त्र का जो वह अध्याय पढ़ रहा था वह ये था कि वह भेड़ के समान वध होने के लिए पहुंचाया गया, जैसा मेमने ऊन कतरने वालों के समान चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने ही अपना मुंह न खोला, उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके सब लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी में उसका प्राण उठा लिया जाएगा। बोलो क्या है? इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तो उस पर विनती करता हूं ये बता के भविष्यता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी और के? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इस शास्त्र के आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? क्योंकि जो बातें
यहाँ पे लिखा 32 में जो अध्याय पढ़ रहा था, वह भेड़ के समान वध होने के लिए पहुंचाया गया, जैसा मेमना अपने ऊन कतने वालों के सामने चुपचाप रहता है, उसने अपने मुंह ना खोला, उसकी दीनता के सामने उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करे, उसका प्राण पृथ्वी से उठा लिया जाता है। जब फिलिप्पुस ने ये बातें लिखी, शुरू से लेकर आरंभ तक, एंड तक, जिसे उसे समझाया कि ये किसकी बात हो रही है, क्योंकि ये बात यीशु मसीह की थी, जो 53 अध्याय में जो यशाया भविष्यवक्ता ने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की थी। समझ आ रही है? तो जब उसने इसे पढ़कर सारा समझाया कि ये कौन है, यीशु मसीह के बारे बताया, तो जब उसे समझ आ गई, बोलो क्या आ गई, जब समझ उसे आ गई, तो उसने फिलिप्पुस से विनती की, यहां पे पानी है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। तो उसने समझ लिया कौन है उद्धारकर्ता, कौन है मुक्तिदाता, कौन है जो हमारे पापों के लिए मारा गया है, गाड़ा गया है, कौन है। हाँ, जैसा मेमना अपने उन कतने वालों के सामने चुपचाप रहता है, क्योंकि उसने सब कुछ, जब पिलात उसने, राजे ने जब उसे यीशु को पकड़ा, तो उसने पूछा, बता मैं तुझे छोड़ दूंगा, तो उसने बताया नहीं, वो चुप रहा। क्यों? क्योंकि उसके विषय में लिखी बातें जो थी हमारे लिए वो पूरी हो। बोलो क्या है? एक बेत है, मसीह में जितने लोग आते हैं वो तब तक परेशान है जब तक इस सत्य को अच्छे से नहीं समझते। जो समझ आते हैं वो बहुत जल्दी क्या पाते हैं। इसलिए कुछ लोगों की टेस्टामनी, कुछ लोगों की गवाही जल्दी बनती और कुछ लोगों की नहीं बनती। कुछ लोग बड़े दिल से, मन से उस वचन को सुनते हैं और धन्यवाद करते हैं और मानते हैं, पूरा करते हैं। कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग बस बैठे और आए और चले, बैठे और आए और चले। जब दिल किया आगे नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, कोई आज्ञा नहीं, कोई नियम नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई डर नहीं। इसलिए जो लोग मानते हैं और ध्यान देते हैं वो बड़ी जल्दी आगे निकल जाते हैं, और कुछ नहीं करते, कुछ लोग सिर्फ आना जाना लगाए। बोलो क्या है? कुछ लोग बड़े ध्यान से देते हैं। अभी हमने उस सिस्टर की गवाही सुनी, उसने सब चीजें नोट करके रखी जो जो परमेश्वर ने मेरे मुंह से दिया। ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर हम टाइम निकाल कर यहां पे बैठे हैं तो सुनो ध्यान से। परमेश्वर आपको सुनना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है। कितनों का समझ आ रही, लेना चाहते हो? अगर नहीं समझ आ रही, जब मैं आया था तो मुझे बाइबल की 0 नॉलेज थी। जिन लोगों से मैं सीखता था, तो मैं जो सीखता था मैं भूल जाता था। जब भी मैं वचन सुनता था मैं भूल जाता, तो मैंने उनसे पूछा, मुझे बताओ ये मुझे याद क्यों नहीं रहता। उन्होंने बताया, परमेश्वर से प्रार्थना करो। मेरे अंदर बड़ी चाह थी खोजा के जैसे, सीखने के लिए, जैसे खोजा बड़ी दूर, हाँ, उस पुस्तक में लिखी हुई बात जो यीशु मसीह के बारे लिखी थी वो पढ़ रहा था कि ये क्या है। हाँ, मेमना उन कतरने वालों के सामने चुप चुप रहा, हाँ, उसकी दीनता के सामने उधर न्याय होने नहीं पाया, उसका प्राण पृथ्वी पर से उठा लिया जाएगा। देखो खोजा के अंदर कितनी चाहत थी, बोला गया नहीं, कितनी चाहत थी। और लिखा वो यरूशलम में बड़ी दूर उस बात को सीखने के लिए गया, सिर्फ सीखने के लिए गया। किसी मतलब ऐसे नहीं है मेरे यहां पे दर्द है, मेरे रसौली है, मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम। यीशु मसीह के बारे लिखी बात को वो समझने के लिए, देखो। और जब किसी को समझ आती है उसके जीवन में सब दुख अपने आप मिट जाते हैं, चाहे वो जमांद्रु लंगड़ा क्यों नहीं है, जमांद्रु अंधा क्यों नहीं है, डॉक्टर ने उसे जवाब क्यों नहीं दे दिया। वो भी फिर जब समझ आती है तो वो भी अपने पैरों पर खड़ा होता है और अंधा भी देखता आज भी। आपका कोई आमे नहीं है, ढीले वाला नहीं, मुझे ऊंचे वाला चाहिए। आप चाहते हो तो ब्लेस होना, तो फिर ध्यान दो।